टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 5:30 हो रहा है ना टाइम सुबह के 5:30। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। होप करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम जबर होंगे। तो मेरे साथ है मेरे ऋषि भाई, हमारे छोटे भैया हमारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतन भाई के ब्लॉग में। मेरा नाम ऋषि है और मैं इनका छोटा भैया हूँ। यहाँ छोटे भैया हैं लेकिन कहते सबको बड़ा है, जाओ कैसे कल कहीं जाते हैं सबको बड़े नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं इनका बड़ा भाई हूँ। तो अभी सीन क्या हुआ है, सीन कुछ भी नहीं था, हम लोग निकले थे घर से परांठा चाय पीने, पहले चाय पीने से पहले चाय पीने निकले, वहां में लग गई भूख। अच्छा हमने पहले सियाना खोजा हमें कुछ खाने को मिल जाए, हमें नहीं मिला कुछ भी। हमें ना कुछ मिलने के कारण हमने थोड़ी गाड़ी निकाली आगे, हमने देखा पराठे की तलाश में हम निकले थे और देखो कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं हम, कहाँ रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं अंदर अंदर का रास्ता। आज हम भी अपने तो भाई हम अंदर एक्सप्लोर करते करते हम लोग क्या से क्या करके बैठेंगे आज पता नहीं हमें। और हमारे घर वालों को पता है कि हम चाय पीने गए, उन्हें भी नहीं पता भी तो शायद। हाँ, सो रहे हैं वो सब, सोते वो सोते वो छोड़ के हम लोग निकला इधर। और ये जो रास्ता हम आए हैं, हमें ये खुद नहीं पता था रास्ता कि क्या गांव से रास्ता, हम तुक्के मारते हुए आ गए। तो क्या है, हम लोगों का ना कोई भी ऐसा सीन प्लान नहीं था कि हम लोग व्लॉग बनाएंगे कुछ करेंगे, कुछ भी सीन नहीं था। तो ये व्लॉग बेसिकली आप नॉर्मल व्लॉग से पहले देखो, लोग जो सीरीज ऑलरेडी एपिसोड चल रहे हैं उस व्लॉग से पहले आ जाएगा। ये हो सकता है कि कल शायद शेड्यूल डाल दें, हम कल डाल देंगे उस व्लॉग का हम लोग। तो ये बिल्कुल अनप्लान व्लॉग है और इसमें मतलब कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि भाई कुछ करने वाले हम लोग, कुछ बस पराठे की तलाश में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भूख इंसान से इंसान को क्या क्या करा देती है। देखो हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे लेकिन हाँ घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर भी प्लस बहुत दूर और दूर थोड़ा सा काफी दूर निकला है। प्लस दूसरी चीज क्या, रात भर सोई नहीं, रात भर सोई नहीं, चल झूठा। तो मतलब हमारा कुछ भी सच नहीं है यार, हम लोग पता नहीं कहाँ से क्या कर रहे हैं, हमें खुद होश नहीं आज के टाइम में। और हम दोनों नींद में बेसिकली, हमारी दोनों की आंखें नींद में लाल हुई पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि सोए हुए नहीं है। बस यही है थोड़ा सा आज का, बाकी अभी देखो अभी तो क्या है कुछ भी नहीं है रोडों पे, खाली रोड पड़ी है अभी। तो ऋषि भैया हमारे थोड़ा रास्ता लगा लिया इन्होंने गूगल पे ताकि हमें आइडिया रहे कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हमारा जो बेसिकली प्लान है अभी देखते हैं ब्रज घाट पे, अगर हमें मिल गई कचौड़ी तो हम खाएंगे कचौड़ी तो फिर हम करेंगे कचौड़ी कचौड़ी खानी भी नहीं हमें, पेल नहीं है, भूख लग रही बहुत जोर। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, फिर से बताता हूँ, अगर हमें मिलेगी ब्रज घाट पे कचौड़ी तो हम खाएंगे नहीं, हम पेलेंगे दोनों मिलकर हमारा पेलने का प्लान है, क्योंकि खाने वाले सीन, हम खाने वाले सिचुएशन से दूर हट चुके हैं, वो रास्ता निकल चुका है बहुत पीछे हमारे से, दूर हट चुके हैं हम से, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ भाई। यार कुछ नहीं हो सकता हमारा भाई, कुछ नहीं हो सकता, नहीं सच्चा अनप्लान कुछ तो हो सकता है कुछ तो जब होगा जब पता लगेगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। अभी हम जिस चीज की तलाश में, हमें वो कुछ खाने को चाहिए, या कचौड़ी मिल जाए या हमें तंदूरी पराठे मिल जाए अच्छी चाय के साथ। मंजिल तक ना पहुंचो तो एक वो बना के रखनी पड़ती है ना, एकाग्रता, वो हर भंग हो गई है हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है बिल्कुल, सही बताऊं तो। अरे अंकल क्या मिला रहे हो, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, मिलावट कर रहे हैं, लग रहा है डीजल कुछ मिला रहे हैं, पानी चलाएंगे जनरेटर को, भारत बदल रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार, अभी अभी 6 बजने वाले हैं, मस्त उठ जाएंगे, देखो 6:30 बजे हाँ। जो अर्ली मॉर्निंग उठते अखबार पढ़ते हैं वो, तो उसके बाद हमें फोन आएगा तो हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे। हम चाय पीने आ गए कितने बजे, 4 बजे निकले थे घर से, अरे चाय नहीं मिल रही हमें कि थोड़ा चाय पीने चक्कर बहाने बहाने हमें, चलो कुछ खा लेंगे, मटरा कुलचा सोचा कि 5:30 मटरा कुलचा खाएंगे पहले। देखो सबसे पहली बात, एक तो हम पंजाबी ऊपर से क्यूट और गोरे चिट्टे तीसरे भूखे और सब गोरे चिट्टे तीसरे भूखे दूसरे भूखे सब, तो हम कुछ भी करने को राजी है फिलहाल, भूख लग रही है खाने को, इस टाइम भूख लग रही है। हम भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, हम 5-6 ढाबों पे जा चुके हैं और कहीं भी हमें पराठा खाने को नहीं मिला, और मिले थे तो गंदे तेल के ब्रेड पकौड़े वो हमें नहीं खाने, जो हमें ठूसने नहीं थे, हम गंदे तेल की कचौड़ी खाने को तैयार है आज, लेकिन पकौड़े नहीं खाएंगे। तो ये मैं सुबह सुबह का माहौल इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग सुबह नहीं उठते ना, तो देख लीजिए आप सुबह कैसी होती है, सुबह ऐसी होती है, क्योंकि हम भी कई कई दिन बाद देखते हैं क्योंकि हमें कई बार सूरज देखे हुए महीने बीत जाता है, हाँ जी हफ्ते बीत जाते सूरज देखे। ओह माय गॉड, यहाँ रेड लाइट यही होती है, यहाँ की रेड लाइट ये ट्रैफिक सिग्नल है। अरे भैया थोड़ा जगह दोगे चाचा छोटे, रिंकी रिंकी यार
रिंकी यार साइड हो, मजा नहीं तुम्हारे घर चलो। सॉरी अगर आप रिंकी कोई ब्लॉग देख रहे हो तो हमारा ऐसे किसी भी किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। वी आर जस्ट टेकिंग अ रैंडम नेम। यस, अच्छी रोड आ चुकी है सामने, हम लोग गंगा जी पहुंचने वाले हैं। हम सारे ही प्लान हमारे ऐसे होते हैं भाई, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे ही ओंधे बुद्धि के हम कहीं भी निकल जाते हैं कभी भी। तो अभी तो फिलहाल इस ये तो व्लॉग का कोई भी मतलब यहाँ के व्लॉग का कोई भी एक्चुअल में सीन ही नहीं था कि हम लोग यहाँ का व्लॉग करेंगे, लेकिन फिर भी देखो आप लोगों को कुछ देखना था बढ़िया हम लोग यहाँ पे, और हमारा काम है आपको दिखाना, अच्छा अच्छा रिकॉर्ड करना, अच्छा दिखाना, तो वही आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पे भोकाल देख आया हूँ, भोकाल मजा तो वो आया जो उसने कार्ड निकाला और हवा में दिखाया, जैसे कार्ड स्कैन करा उसने यार। यार क्या जिंदगी, लोग कैसे कैसे लोग बसे हुए यार। ये लगाने गाड़ी पार्किंग में यहाँ के लिए चलेंगे, यार तो सरकारी गाड़ी तो सरकारी है, जाम लग रहा है लेकिन ऋषि भाई भीड़ आ गए आज कुछ है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी हिला देता हूँ ऊपर पार्किंग से जो हिंग चलते हैं भाई। हम आए तो सोचे खाली मिलेगा, डिस्टेंस हम निकले हुए हैं उस हिसाब से, लेकिन भाई यहाँ है भीड़ बहुत ज़्यादा। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी ऐसी भीड़ होगी यहाँ पर। और अभी किसी से पूछते हैं कि एक्चुअली में कि आज तिथि किस चीज़ की, बेसिकली इतनी भीड़ होने का रीज़न क्या है। तो भाई हमने कराया पता बेसिकली कि आज का जो तिथि है वो है पूर्णमासी का। तो भाई मैं आपको बता दूं हमारा मेन मकसद यहाँ आने का यही था क्योंकि आज बहुत बड़ी पूर्णमासी है। हम अचानक ही आएंगे। गंगे मैया की जय हो आप सभी को भी। हाँ मतलब गंगा मैया फैली हुई है। ये हमारे यहाँ से हरिद्वार के बाद, और आप कभी यहाँ मेले में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेले में जब भी आएंगे बहुत भीड़ मिलेगी आपको। भीड़ तो आज भी कम नहीं होगा, सुबह 8 बजे तक वो तिथि है। हम छीटा मार ले यहाँ पे, यहाँ पर 9 बजे चलते हैं आखिर बार पसीने का। अब चलते हैं पहले जो समय हमने बोला वो हम सोचते कुछ और होता कुछ और, जो वाले को मंजूर है होना वही है। हमारा कोई भी एज सच प्लान नहीं था यहाँ के बारे में, लेकिन फिर भी वो चीज़ हो रही है। तो अब हम यहाँ तक आया था, हम स्नान भी करके जाएंगे, चाहे हमारा अनप्लान ही क्यों ना हो, लेकिन हम स्नान करके जाएंगे। पूर्ण मास पता नहीं शायद हमारे यही लिखा था ना, हमारा स्नान से यही लिखा, चाहे हम क्यों निकले घर से चाय पीते हुए पता नहीं था, फिर भी अब ये हाथ देखो, हाथ हमने जो तौलिया खरीदा उसने रंग छोड़ दिया हमारे हाथों में नीले, हमारे चेहरे पर तो नहीं आया, चेहरे पर तो नहीं आया हमारे हाथों पर रंग आ चुका है। बाकी हम फिर से घर जाकर नहाएंगे, तो हम जिस चीज़ के लिए सुबह से निकले हुए थे हम करेंगे पेट पूजा। और ये राज भैया दुकान है इनकी, ये बड़ी फेमस है यहाँ की ना, हमारा ब्रज घाट पा रहे हैं। यहाँ की आलू कचौड़ी बहुत बढ़िया शानदार, कहेंगे भीड़ भी फुल लग रही होगी इनको भाई, फुल भीड़ हो रही है अंदर भी, अंदर ही बैठेंगे भाई। तो भाई
होप करते हैं आपको जो खाने के शॉर्ट्स दिखे हैं अभी ऋषि भाई ने बनाए हैं, जलेबी वाले भैया के शॉर्ट्स एक वो ले लिया था ऐसे, वो जलेबी वाले भैया थे वो कह रहे थे मुझे नहीं पता मैं कितने सालों से जलेबी बना रहा हूँ। फिलहाल हमने कचौड़ियाँ खा ली हैं, हम पेट भर के अपना भाई साहब हमें गद्दा मिल जाए ना पड़ जाए इस तरह में बेहोश। और हमने घर वालों के लिए चार कचौड़ी प्लेट पैक कराएंगे लेकिन खाने वाले तीन ही है, लग रहा बची चौथी भी हम पे लेंगे, चौथी भी हम जाके पे लेंगे। वाह क्या सीन है भाई। लेकिन सबसे बड़ी चीज सोचने वाली ये है कि चलो घर वालों को बता दिया कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन अब जब हम घर जाकर ना फेस कैसे करेंगे अपने मुंह से क्या बोला तूने, खाओ पियो रेश करो, जिंदगी जीनी चाहिए, जो तुम्हारा मन जो तुम्हें तुम्हारे दिल को अच्छा लगे ना वो चीज करनी चाहिए। हाँ लेकिन गलत काम के लिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मॉर्निंग हमारी सफल रही, मॉर्निंग बढ़िया रही, मॉर्निंग बढ़िया रही, हम बिना मतलब के 10-12 किलोमीटर ऐसे घूमे यूटर्न के चक्कर में, 20 किलोमीटर टोटल बैठे लेकिन हमने जो अनसंड जगह घूमे जो यूटर्न में हाँ, जो हमने ट्रक वालों कट मारा, ट्रक वाला गाली बकता हो गया हमें गंदे आदमी पतलू, तुमने समोसे कचौली नहीं पहले तुम इतना मजेदार मैंने तुम्हें खाना खिलवाया तुम्हारा पेट फट जाएगा, इतना मत खाया करो। खा लूंगा भैया जी, क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। तो और कोशिश है कि हम डेली व्लॉगिंग की भी स्टार्ट करेंगे जल्दी, लेकिन अभी जो ट्रिप ऑलरेडी हो चुकी है उनके व्लॉग से भी ऑलरेडी इतने डिले हैं हमारे मतलब मेरे जो भाई मैं रिसेंटली खुद 2-3 ट्रिप करके आया हूँ आपको आने वाले व्लॉग से पता लगेगा, तो वो सब चीजें भी अपलोड करनी है, वो सब काम भी देखने हैं, प्लस साथ साथ अपनी जॉब को भी प्रॉपर फोकस रखना है, कुछ भी हो हमारे काम पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है चाय कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो हम चाय पीने गए, बट मेरी मम्मी ने अच्छा सब गैस करा कि ये लोग ब्रज घाट गए हैं और उनका पहला क्वेश्चन था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तुम लोग गए कैसे हो, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, और अब हमें वही क्वेश्चन घर जाके फेस करना है और रिएक्शन फेस करने के सबके रिएक्शन कैसे होंगे, तो मेन चीज वही है वापसी जा रहे हैं हम, तो वापसी पहुंच के एक बार दिखाते हैं आपको रिएक्शन कैसे होते हैं। बन जाऊँ तो थोड़ा सोच रहा है कि मैं पढ़ाई बहुत स्कोप है आज के टाइम में बाबा होगा जी, अच्छा कितना स्कोप आपके किसी के सेंटीमेंट सर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आई थिंक जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा है, इसने रिसेंटली वो देखी है एमएक्स प्लेयर पे आश्रम तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा ही मोटिवेटेड हो चुका है देखने के बाद, आश्रम देखने के बाद, तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि इसका होता क्या है, मतलब ने रास्ता चुन तो लिया ही है। देखो मैंने आस्था चैनल में भी काम करा तो मैंने बहुत लिंक्स हैं इसके बाबा वाले, इसने बाबा रामदेव साथ काम करा आस्था चैनल में तो इनके काफी सारे चीजें एडिट करता था, ये एडिटर भी था और एक तरीके से कंटेंट को क्रॉस चेक भी करता था, एज अ जो क्वालिटी टीम करती है कंटेंट चेकिंग का काम भी करता था, अब भी कंटेंट चेकिंग ही करता है बेसिकली, ये क्वालिटी ही करता है कंटेंट की जो हम लोग पोस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं रील्स, इन टर्म्स ऑफ वीडियो, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ फोटोज, उसको क्वालिफिकेशन का काम इसका है। घर पहुंच के गाड़ी खड़ी कर दी हमने और सामान ले लिया जो हम सामान ले पाए थे, अब देखते हैं घर वालों के रिएक्शंस। लाइटें जल चुकी हैं, जाग गए सब, मेरी माँ तो सामने बैठी है, मेरी माँ बैठी अंदर अंधेरे में कुछ नहीं रही है अभी, दोनों माताएं उठ के बैठी हुई, इनके चेहरे देखने वाले हैं, इनके चेहरे देखने वाले हैं, जब गंगा जी गए थे तो उन्हें बता उन्हें चले मावस्ती पूरा भर एकदम मावस्ती हम तो नहीं आते तो थोड़ा चलो दोबारा। तो भाई लोग घर पहुंच गए, कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला इनसे, सेम एज यूजुअल इनका वही था, इनका कहते हमें लेके जाना चाहिए था, हम इनको लेके मिले, तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं क्लोज, होप करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा ऋषि जी के साथ, इन्होंने रास्ते में कॉमेडियाँ करी हैं, इन्होंने मास्टर को हमने दुखी कर दिया, चलो वो लेके नहीं गए और हम खुद नहीं आए, तो चाय पीने के बहाने कचौड़ियाँ खाए, कचौड़ियाँ ले आए इतनी सारी, अब खाएंगे बैठ के। और तो चैनल इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें चैनल को, तो जल्दी मिलते हैं नए किसी ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।